हेलो एवरीवन, मैं रीस खान आप सबका स्वागत करता हूँ साउथ इंडियन मूवीज पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अभी हाल ही में रिलीज हुई कुछ ऐसी धमाकेदार फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिन फिल्मों को आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वीडियो के अंदर ऐसी कौन सी मूवीज है जो आपके लिए वर्थ टू वॉच है, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको ये कन्फर्मली पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी आपके लिए बनी है और आपको किस मूवी को देखना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि फ्यूचर के अंदर भी आपको ऐसे ही मूवीज की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर है माइक। सारा नाम की एक ऐसी लड़की जो कि अपने जेंडर को चेंज करवाना चाहती है, इस वजह से वो अपने जेंडर चेंज करवाने की जर्नी पर निकल जाती है और उसे रास्ते के अंदर एंटोनी नाम का एक ऐसा लड़का मिलता है जो कि शराब के सेवन की बीमारी से ग्रसित होता है। और एंटोनी ऐसा लड़का होता है जो कि अब जिंदगी से हार चुका है, उसकी सारी उम्मीद मिट चुकी है। लेकिन धीरे धीरे सारा और एंटोनी के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों ही अपनी लाइफ की बुरी सिचुएशन से लड़ते हुए आगे बढ़ता है और अपनी जर्नी को पूरा करते हैं। सबसे पहले इस मूवी के लीड कास्ट की बात की जाए तो एंसवारा रंजन और न्यू कमर रंजीत साजीव ने काफी अच्छा काम किया है और दोनों ही पूरी मूवी को अपने कंधों पर कैरी करके चलते हैं और साथ ही दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर को क्लियरली जस्टिफाई किया है। गाइज, ये एक ऐसी मूवी है जो आपको देखने की जरूरत है क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे सोसाइटी के लोग अपने अंदर की बात को खुलकर किसी के भी सामने नहीं रख पाते हैं। और ये मूवी ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि किसी भी पर्सन की ट्रू आइडेंटिटी और साथ ही उसकी चॉइसेस उसके खुद के हाथों में होती है जो कि लाइफ के अंदर सिर्फ एक बार ही बनाई जा सकती है। और बात करें तो ये मूवी इमोशनल रोलर कोस्टर मूवी है जो कि आपको रिफ्रेशिंग और रिलेवेंट स्टोरी देती है और आपके सामने ये मूवी अपना अच्छा खासा सा इम्प्रेशन भी छोड़कर चली जाती है। बाकी 2022 में इस ड्रामा थ्रिलर मूवी को रेटिंग मिली 6.7 की और ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। नंबर 4 पर है यशोदा। मूवी के अंदर यशोदा नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में दिखाया जाता है जिसकी छोटी बहन को कुछ प्रॉब्लम होती है और उसे ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत होती है, इस वजह से वो सरोगेसी बन जाती है। लेकिन जिस फैसिलिटी के अंदर यशोदा को रखा जाता है और जहाँ पर उसकी केयर की जाती है वहाँ पर और भी कई सारी लड़कियाँ होती है जो सब की सब सरोगेसी होती है। अब कुछ टाइम तक तो यशोदा की वहाँ पर अच्छी खासी सी देखभाल होती है लेकिन धीरे धीरे यशोदा को पता चलने लग जाता है कि उस फैसिलिटी के अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ जरूर है क्योंकि वहाँ पर सरोगेसी बनी लड़कियों के पेट में से 2 दिन पहले ही बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है जिस वजह से वो लड़की वहीं पर मर जाती है और फिर बच्चे और साथ ही उस मरी हुई लड़की को वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है और इन सब के बारे में यशोदा को पता चल जाता है। 122 मंदी लेडीज पेर्लु बाइटिक वच्चे देर ऑल सुपर रिच वुमेन। वैसे तो गाइज इस मूवी के अंदर काफी एक्टर्स हैं लेकिन आपकी आंखें सिर्फ समानता की एक्टिंग पर ही टिके रहेगी। ये एक पावर पैक्ड मूवी है जिसकी स्क्रिप्ट काफी अच्छी है और आई एम प्रीटी श्योर कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बाकी मूवी के अंदर क्रेजी एक्टिंग है, माइंड ब्लोइंग स्टोरी है, फेबुलस स्क्रीन प्ले और साथ ही डेडली डायरेक्शन है। ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच मूवी है जो कि समानता की अब तक की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक है। बाकी अभी हाल में रिलीज हुई इस फैंटेसी मिस्ट्री मूवी को रेटिंग मिली 8.7 की और ये मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर है हेलो। अविनाश नाम का एक ऐसा लड़का जिसे कि अपने बचपन के प्यार प्रिया का एक दिन फोन नंबर मिल जाता है लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उसके बाद ही उसका फोन चोरी हो जाता है। और अब आपको इस मूवी के अंदर ये देखना है कि अविनाश अपने मोबाइल को ढूंढने के लिए क्या कुछ करता है और साथ ही क्या वो अपनी लवर प्रिया तक पहुँच पाता है या फिर नहीं, ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ఏంటో నీ చాలా తొందరగా దగ్గరైంది, అమ్మ చెప్పావు కదా నీ లైఫ్ లో కొరున్నారని। गाइज ये मूवी हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई सच्चा प्यार क्या होता है और मूवी देखते टाइम आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इस मूवी की कहानी खींची हुई है बल्कि इस मूवी की कहानी बहुत ही स्मूथली रन होती है। इस मूवी की थीम ये है कि अगर आपका प्यार ट्रू और प्योर है तो फिर आपको कोई सी भी डिस्टेंस और टाइम अपने प्यार से सेपरेट नहीं कर सकता है। अगर आपको रोमांटिक सैड ड्रामा वाली फिल्में देखना पसंद है तो यू डेफिनेटली लाइक दिस मूवी। बाकी 2017 में इसे एक्शन थ्रिलर रोमांस मूवी को रेटिंग मिली 7.2 की और ये मूवी आपको Amazon Prime Video के साथ साथ YouTube पर तकदीर नाम से देखने को मिलेगी। नंबर 2 पर है रंगस्थलम। मूवी के अंदर चिट्टी बाबू नाम के एक ऐसे लड़के के बारे में देखने को मिलता है जिसे कि कम सुनाई देता है और वो एक दिन अपने बड़े भाई के साथ मिलकर रंगस्थलम गांव के मुखिया फंडरीत के 30 सालों से चले आ रहे अत्याचारी शासन को खत्म करने का फैसला करता है। दरअसल उस लीडर से गांव के सभी लोग डरते हैं लेकिन चिट्टी बाबू और उसका बड़ा भाई होता है जो कि हिम्मत से उसका सामना करते हैं। या,
नहीं करता। गाइस मूवी के अंदर रामचरण ने चिट्टी बाबू का कैरेक्टर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे के अंदर प्ले किया है और उन्होंने ये अच्छी तरीके से निभाया है कि एक बेरे आदमी का दिन बिना किसी फ्लॉस के बहुत ही सिंपली गुजर जाता है। और इसी के साथ समांथा एज रामा लक्ष्मी जो कि उसी गांव की लड़की होती है और उनके कैरेक्टर की परफॉर्मेंस भी बहुत ही नेटिव और नेचुरल रही है। और इस मूवी की कहानी आपको 80s और 90s के समय में ले जाएंगी जिस वजह से आपको नॉस्टैल्जिया का मैसिव डोज भी लग सकता है। बाकी ये एक इंटेंस मूवी है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। बाकी 2018 में इस एक्शन ड्रामा मूवी को रेटिंग मिली 8.2 की और ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। तो नंबर 1 पर है सैटरडे नाइट। इस मूवी का प्लॉट 4 ऐसे दोस्तों के आसपास घूमता है जो कि अपने चौथे दोस्त को ढूंढने के लिए रीयूनाइट हो जाते हैं। दरअसल स्टेनी नाम का उनका चौथा दोस्त ऐसा होता है जो कि बहुत ही डिफरेंट और मिस्टीरियस होता है जो कभी भी कहीं पर चला जाता है। इस वजह से वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो वो काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर करते जाते हैं। He's a loser, man. और उनको अपनी जर्नी से ही फ्रेंडशिप का असली मीनिंग पता चल पाता है। इस मूवी के फर्स्ट हाफ के अंदर उतना कोई खास मजा नहीं है लेकिन हाँ सेकंड हाफ बहुत ही इंजॉयबल है और आप इस मूवी को सिर्फ अपने दोस्तों के लिए देख सकते हो क्योंकि ये मूवी दिखाने की कोशिश करती है कि दोस्तों के बीच में डीप रिलेशनशिप क्या होती है। बाकी 2022 में इस कॉमेडी ड्रामा मूवी को रेटिंग मिली है 5.4 की और ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। तो गाइस ये थी वो साउथ की कुछ हाल ही में रिलीज हुई धमाकेदार फिल्म है जो आपको डेफिनेटली वॉच करनी चाहिए। गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के अंदर ऐड की गई मूवीज भी। अगर आपके वीडियो के अंदर जरा सा भी कुछ पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।